अस्सलामुअलैकुम, मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुकिंग विद उर्वा में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हमारी रेसिपीज इंजॉय कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बगैर किसी देर के अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज हम बना रहे हैं आलू के डोनट्स, जिसके लिए हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, सबसे पहले हमने 3 से 4 बड़े आलू ले लिए हैं, उनको बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। इसके अंदर जो हम मसाले ऐड कर रहे हैं वो है नमक, लाल मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। साथ ही हमने 1 से 2 जो है वो डबरोटी ले ली, उनको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। लास्ट जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास धनिया और हरी मिर्च चॉप की हुई ले ली। अब हम अपनी चीजें जो है वो मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा धनिया चॉप की हुई और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, साथ ही हमारे सारे मसाले चले जाएंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितने आपने रखने। और लास्ट में जो हमने डबल रोटी जो है उसको छोटे छोटे पीस में किया हुआ था वो ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने डोनट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो है वो हम इस तरह का एक गोल सा हम टिक्की बना लेंगे। और फिंगर की मदद से जो है उसके सेंटर से जो है इस तरह की जो है वो शेप बना लेंगे। आपके पास कोई और टूल वगैरह हो तो आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं। हम जो है वो फिंगर की मदद से बना रहे हैं और इस तरह की जो है वो डोनट की शेप बन जाएगी। इस तरह जो है वो डोनट की शेप बन जाएगी। अब इसी तरह जो है हम सारे डोनट्स की शेप बना लेते हैं। कि हमने जो है सबको जो है वो अच्छे तरीके से डोनट्स की शेप दे दी गई है। हमने दे दी है इनको अच्छे से शेप जो है डोनट्स की। अब हम जो इसकी कोटिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने 2 अंडे लिए हैं, उसके अंदर जो है काली मिर्च डाली और थोड़ा सा ही नमक ऐड कर दिया, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और हमने जो लिए हैं वो ब्रेड क्रम्स ले लिए इसके ऊपर कोटिंग के लिए। अब हम सबसे पहले अपने डोनट्स को जो है वो अंडों के अंदर डिप करेंगे और उसके बाद जो है ब्रेड क्रम्स में ऐड करके ब्रेड क्रम्स की जो है एक लेयर लगा लेंगे। इसी तरह सारे डोनट्स को जो है ब्रेड क्रम्स लगा लें, उसके बाद फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारे डोनट्स हैं उनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि जो हमारे डोनट्स हैं वो एक साइड से जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। इनका कलर देख सकते हैं कितना ही अच्छा है, लाइट सा ब्राउन सा। देख सकते हैं कि जो हमारे आलू के जो डोनट्स थे वो रेडी हो चुके हैं और हमने उनको सर्व कर दिया। आप इनका फाइनल लुक भी देख सकते हैं, कितने ही क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे डोनट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। हमने इनको लाइट सा ब्राउन किया और देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया, बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बने। आप रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आप ट्राई करें तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू के डोनट्स की, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और हमने कम खर्च में कम चीज़ें यूज़ किए बना ली। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी, आज की वीडियो आलू के डोनट्स की अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो, आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी।
मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।